तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको फोटोशॉप के अंदर एक एनिमेशन क्रिएट करना सिखाने वाला हूं। तो फोटोशॉप के अंदर ही हम इस तरीके से कार के हेडलाइट का एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो बार बार ऑन ऑफ हो रही है इसके अंदर। तो ये हमने फोटोशॉप के अंदर क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ और दोबारा से इसी फाइल को ओपन करेंगे। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और इसके बाद से हमें सबसे पहले प्रेस करना है कंट्रोल प्लस ओ। आपको सबसे पहले तो कार की इमेज इसके अंदर ओपन करनी है, तो कंट्रोल ओ प्रेस करके कार की इमेज में इसके अंदर सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। तो इसके बाद से हमें क्या करना है, इसके ऊपर हेडलाइट का एनिमेशन इसमें क्रिएट करना है। तो ये हम जो भी काम करेंगे इसके अंदर लेयर के ऊपर काम करेंगे और लेयर हमारी इसमें डिफ़ॉल्ट हमारी बैकग्राउंड लेयर लॉक होती है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसके अंदर जाके इस लेयर को अनलॉक करना है। ये जो अभी ताले का निशान है मतलब ये अनलॉक दिखा रहा है, ये लेयर अगर हमें लॉक होगी तो इसको हम कहीं भी मूव नहीं कर सकते। तो हमें इसको अगर अनलॉक करना है तो हम इस पे जाके दो बार क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करने के बाद हम सिंपली इस पे ओके करेंगे तो ये हमारी लेयर जो है अनलॉक हो जाएगी। इसके बाद हम इसको कहीं भी अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। और इसके बाद से हम जो भी काम करेंगे डुप्लीकेट लेयर के ऊपर काम करेंगे। तो अगर आपको लेयर डुप्लीकेट करना है तो इसके लिए आपको एक शॉर्टकट प्रेस करना है कंट्रोल प्लस जे। तो कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद लेयर हमारी डुप्लीकेट हो चुकी है और हम जो भी काम करेंगे ऊपर वाली लेयर के ऊपर काम करेंगे। और इसके बाद से आपको इसके अंदर हेडलाइट ऑन करने का इफ़ेक्ट कैसे ऐड करना है, तो ये हम एक फ़िल्टर से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर वाली लेयर को यहाँ से सेलेक्ट किया। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी ये लेयर सेलेक्टेड ना हो, आपको ऊपर वाली लेयर ही सेलेक्ट करनी है। तो इस पर क्लिक करेंगे सिंपली। इसके बाद से हमें जाना है फ़िल्टर में और फ़िल्टर में हमें इसमें एक फ़िल्टर अप्लाई करना है। इसके अंदर आपको जाना है इसमें रेंडर में और इसमें से सेलेक्ट करेंगे लेंस फ्रेम ऑप्शन। तो फ़िल्टर में जाना है सबसे पहले, फिर रेंडर और यहाँ से आपको मिल जाएगा लेंस फ्रेम ऑप्शन। इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके पास कुछ इस तरीके से विंडोज में आ जाएगी। और इसके बाद से हमें क्या करना है, इसमें कुछ सेटिंग्स को चेंज करना है। बस आपको सिंपली यहाँ पे जो इसकी हेडलाइट जहाँ पे भी है पोजीशन वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप इसका अमाउंट अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें उतना रख सकते हैं। तो मैं इसका अमाउंट रख रहा हूँ अराउंड 160, तो मैंने 164 रखा हुआ है इसके अंदर। और इसके बाद सिंपली इसको ओके कर देंगे। तो इसकी एक हेडलाइट हमने यहाँ से ऑन कर दी। इसका अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग कम या फिर ज़्यादा रख सकते हैं। इसकी एक हेडलाइट हमने ऑन कर दिया और इसी तरीके से दूसरी वाले हेडलाइट के ऊपर हम सेम इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोबारा से हम इसी लेयर पे जाके और फिल्टर में जाएंगे और दोबारा हम वही फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। रेंडर में जाना है और फिर जाना है लेंस फ्रेम ऑप्शन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। और ये जो प्लस का आइकन है ये हमने पहले इस पर अप्लाई किया था, हम दोबारा अब इस वाले दूसरे वाले हेडलाइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अमाउंट दोनों का हमारा सेम होना चाहिए। पहले हमने रखा था 164, तो दोबारा हमें इसके अंदर 164 ही रखना है और इसको यहाँ से हम सिंपली ओके कर देंगे। इसका साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से इफ़ेक्ट बन जाएगा। और इसका अमाउंट अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो इसका अमाउंट हमें हल्का सा कम करना है, तो इसके लिए आप कंट्रोल प्लस एम प्रेस करेंगे। कंट्रोल एम में यहाँ से प्रेस करें तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी कर्व्स की। और ये जो स्लाइडर है हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट पर क्लिक करके इसको हल्का सा नीचे लेके आएंगे इस तरीके से और सिंपली यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो हल्का सा इसका इफेक्ट जो है कम हो जाएगा। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो हमारे ऊपर की लेयर है जिसके ऊपर हमने हेडलाइट इफेक्ट क्रिएट किया है, इसको अभी हम यहाँ से हाइड कर देंगे। ये जो हमारे पास आँख का निशान वाला आइकन होता है, यहाँ से हम लेयर को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको अनहाइड करके रख रहा हूँ। और इसके बाद से आपको जाना है अपने टूल पैलेट के अंदर और आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। सबसे नीचे जो आपको आइकन मिल जाएगा इस पर आपको अभी क्लिक करना है। तो ये हमारा जो आइकन होता है ये होता है जंप टू इमेज रेडी, तो इस पर हमें सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ से हमारा इमेज रेडी ओपन हो जाएगा जो कि फोटोशॉप के साथ में ही इंस्टॉल होता है। तो इसके बाद से हमें एनिमेशन का टूल ओपन करना है। तो अगर आपके पास ये नहीं यहाँ पे ओपन है तो आपको जाना है इसके अंदर विंडो टैब में जाना है और यहाँ से एनिमेशन का जो डायलॉग बॉक्स है इसको यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। तो अभी इसमें भी सेम ऑप्शन होते हैं, यहाँ से अभी लेयर जो मैंने हाइड की थी इसको अभी भी हमें यहाँ से हाइड करके ही रखना है। और इसमें आपको जाना है एनिमेशन वाले डायलॉग बॉक्स में और आपको यहाँ पर ये वाला आइकन मिलेगा। इस आइकन का मतलब क्या होता है, आपकी जो पुराने वाली जो फ्रेम है इसको आप यहाँ से डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया तो ये हमारे दोनों के दोनों फ्रेम एक जैसी है। तो एक तो हमारी जो ओरिजिनल लेयर है उसका फ्रेम ये शो करेगा और दूसरी हमने क्या किया, इसको डुप्लीकेट कर दिया। और यहाँ से मैं दूसरे वाले फ्रेम के ऊपर क्लिक करके इस लेयर को यहाँ से ऑन कर देंगे जिसके ऊपर हमने अपना इफेक्ट अप्लाई किया था। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको प्ले करेंगे।
तो आपके पास कुछ इस तरह से इफेक्ट बनेगा। अब हमें एक काम और करना है, यहाँ पे टाइमिंग जो है इसकी वो 0 सेकंड है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस पर क्लिक करके और इसकी टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैं इसको रख रहा हूँ 0.5 सेकंड। और इसके बाद से अगर हम इस प्ले वाले आइकन पर क्लिक करेंगे जो बीच में दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करके और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको ओके कर देंगे, तो आप इस तरीके से इसके अंदर हेडलाइट का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।